तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे राइट या लेफ्ट साइड में, खींच मेरी फोटो करके एक सॉन्ग है, उसके ऊपर इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हो स्क्वायर में फोटो कट होकर इस तरीके से अलग अलग एंगल में आपके फोटो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, लेकिन अभी ये फिर से आ चुका है और ये एक नए सॉन्ग के ऊपर अभी ये ट्रेंड, मतलब इस तरीके के रील्स बन रहे। तो इस तरीके के रील अगर आपको भी बनाने होंगे तो उसे आप कैसे बना सकते हो, उसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से रील बनाना होगा तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है इसे ओपन कर देना है। इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो भी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखेगा उसे आपको राइट साइड में स्वाइप कर देना है। स्क्रीन को राइट साइड में आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको बराबर एक स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा। स्टोरी के ऑप्शन के राइट हैंड साइड पे आपको एक रील्स का ऑप्शन दिखेगा, तो उस रील्स के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। रील्स के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें का जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सॉन्ग का, तो उस सॉन्ग के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च म्यूजिक का, तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपको टाइप करना है खींच मेरी फोटो इस तरीके से, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर स्पेलिंग टाइप किया है उस तरीके से यहाँ पर आपको स्पेलिंग टाइप करके सर्च कर देना है। ऐसे टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स के सजेशन आपको आ जाएंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें का जो फर्स्ट सॉन्ग आपको दिख रहा है सनम तेरी कसम मूवी का, तो ये वाला सॉन्ग है उसको आपको क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक कॉर्नर पे डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये करने के बाद स्क्रीन के बीच में आपको थोड़ा सा लोडिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा, ये सॉन्ग एक्चुअल में लोड हो रहा रहेगा। तो ये सॉन्ग एक बार लोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पे आपको तीन स्टार्स का एक ऑप्शन दिखेगा जो इफेक्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग, रील, अपेयरेंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसी लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप उसे सर्च आइकॉन बोल सकते हो, उस सर्च आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है फोटो क्रॉप। आप फोटो क्रॉप ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो इसमें से कौन सा इफेक्ट यूज करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इन सारे फिल्टर्स में से यहाँ पर जो फर्स्ट फिल्टर है जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये वाला फिल्टर आपको यूज करना है। आप इसका लोगो देख लो, ये वाला फिल्टर आपको जहाँ पर दिखेगा उस फिल्टर के ऊपर आपको सिर्फ सिंपली क्लिक कर देना है। इस फिल्टर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का जो कैमरा का स्क्रीन है वो आपको सामने दिखेगा और वहाँ पे आपको ये फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ दिख जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या, जो मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर फिल्टर 3, 2, 1 ऐसे चालू हो जाएगा। तो उसके पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार टैप कर देना है तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखेगा, तो ये डाउनवर्ड एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टाइमर का, तो टाइमर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटडाउन के यहाँ पर आपको 3 सेकंड, 10 सेकंड जैसे दो टाइमर दिखेंगे, तो 3S मतलब 3 सेकंड, उसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे 10S आ जाएगा, तो 10S का मतलब होता है 10 सेकंड। तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है टाइम वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 सेकंड का टाइमर सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद नीचे जो सेट टाइमर का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या, स्क्रीन के सेंटर में आपको एक सर्कल दिखेगा जहाँ पर इस इफेक्ट का लोगो भी आपको दिख जाएगा, तो ये जो लोगो है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करके रखना है। यहाँ पे 3, 2, 1 का टाइमर शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये इफेक्ट जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर जो क्रॉप वाला इफेक्ट दिख रहा है ये क्रॉप जो पोजिशन है अपने आप इसकी पोजिशन चेंज होती रह जाएगी, तो इस उस हिसाब से आपको इस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाता हूँ।
तो जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि इस तरीके से यहाँ पर ये अपने आप यहाँ पर जो स्क्वायर है वो अपने आप पोजीशन यहाँ पे चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से यहाँ पे खुद के फोटोज़ ले लेने होते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, यहाँ पर मैंने साउंड जो है वो म्यूट करके रखा है इसलिए आपको सॉन्ग सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने जब भी सॉन्ग सिलेक्ट किया तभी आप जब रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में सॉन्ग भी सुनाई दे जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या, स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक कवर का ऑप्शन आ जाएगा, तो कवर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वीडियो में से कोई भी एक पार्ट एज अ कवर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको ऐड फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, ऐड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और उसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक फोटो एज अ कवर आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको एक डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे राइट अ कैप्शन का ऑप्शन है, राइट अ कैप्शन के ऑप्शन के ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हो। कैप्शन ऐड करने के बाद लास्ट में आपको स्क्रीन के नीचे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो बनाया हुआ रील है, जो वीडियो है, वो आपके इंस्टाग्राम के फीड के ऊपर पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।